प्रयागराज दंगे के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। अवैध निर्माण को लेकर यह कार्रवाई की गई है। वहीं इलाके में किए गए अतिक्रमण पर भी प्रशासन की नजर है। इसके साथ ही प्रयागराज हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी हुई। अटाला बड़ी मस्जिद का इमाम अली अहमद गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम योगी ने कहा है कि एक एक दंगाई की पहचान तो उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। एनएसए और गैंगस्टर एक्ट लगाए जाएंगे। जुमे की नमाज के बाद रांची में भड़की हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रांची हिंसा वाली रात उपद्रवियों ने सूर्य मंदिर को भी निशाना बनाया था। दंगाइयों ने सूर्य मंदिर पर पेट्रोल बम से हमला किया था। मंदिर परिसर की दीवारों पर अभी भी पेट्रोल बम के निशान देखे जा सकते हैं। मंदिर के अंदर दीवार पर बम गिरा और वहां काले रंग का निशान बन गया। तेलंगाना के आदिलाबाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद हो गया है। शख्स ने व्हाट्सएप पोस्ट किया था जिसे लेकर पहले दो लोगों में कहासुनी हुई और देखते ही देखते दो समुदाय के लोग आमने सामने हो गए। पोस्ट को लेकर एक समुदाय के लोग शहर के वन टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचे और प्रदर्शन शुरू किया। उग्र भीड़ पर पुलिस ने लाठी बरसाकर तितर बितर किया। तनाव को देखते हुए पुलिस ने इलाके में धारा 144 लगाई है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में यमुना खादर में ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि पुल के नीचे खेलते बच्चों को ग्रेनेड मिला जिसे बच्चे गेंद समझकर खेल रहे थे। बाद में किसी शख्स ने इसे देखा और पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एनएसजी टीम को बुलाया। एनएसजी टीम ने ग्रेनेड को डिफ्यूज किया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के करोल बाग में गफ्फार मार्केट में भीषण आग लग गई जिसे वहां हड़कंप मच गया। आग जूते की दुकान में लगी थी। देखते देखते पूरी मार्केट को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि धुएं का गुबार पूरे आसमान में छा गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की 39 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू किया गया। गाजियाबाद के बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल इलाके में एक साबुन बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी। आग की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद आग बुझाई गई। फैक्ट्री में आग लगने की वजहों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। गुजरात के आणंद में जबरदस्त हिंसा हुई। हनुमान मंदिर के पास जमीन के मामले में दो समुदाय के बीच पथराव हो गया। घटना की खबर जिले के डीएसपी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। हालात पर काबू करने के लिए भीड़ के ऊपर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। बिहार के गया स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी में पासिंग आउट सेरेमनी का आयोजन किया गया। पासिंग आउट परेड से 64 नए अफसर मिलेंगे। शानदार परेड से नए अफसरों ने न केवल आर्मी अफसरों का बल्कि दर्शक दीर्घा में मौजूद लोगों का भी दिल जोश से भर दिया। परेड को आसमान से 3 हेलीकॉप्टर भी सलामी दे रहे थे। महाराष्ट्र के नासिक में एक बस्ती पर भीड़ ने हमला कर दिया। लोगों ने घर में घुसकर एक लड़की की हत्या कर दी और 3 घरों को आग के हवाले कर दिया। आग से जलकर 3 घर खाक हो गए। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद में रिश्तेदारों से रंजिश चल रही थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। बाकियों की तलाश भी जारी है। अहमदाबाद के कई पेट्रोल पंप पर रात भर पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सोशल मीडिया पर पेट्रोल पंप की हड़ताल और सऊदी अरब के क्रूड की सप्लाई बंद करने की अफवाह के चलते भ्रम फैल गया। पेट्रोल पंप कर्मचारियों द्वारा समझाने बुझाने के बावजूद लोग तेल भरवाने के लिए लाइन में लगे रहे। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में एक हाथी ने बस पर हमला कर दिया। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक हाथी बस पर लगातार हमले कर रहा है। वहीं हाथियों के झुंड ने गांव पर भी हमला कर कम से कम 15 घरों को तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने वहां पर खुद झाड़ू लगाया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी हाथ में झाड़ू लेकर सफाई की। स्वच्छता अभियान चलाते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमें खुद भी सफाई करनी होगी, तभी हमारा देश, पूरा भारत स्वच्छ बनेगा। उज्जैन से सांसद अनिल फिरोजिया के 15 किलो वजन कम करने का मामला सुर्खियों में आ चुका है। अनिल ने अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए वजन कम किया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 4 महीने पहले एक मंच पर कहा था कि अगर अनिल 1 किलो वजन कम करेंगे तो वो विकास कार्य के लिए उन्हें 1,000 करोड़ रुपए का बजट देंगे। जोधपुर में महिला थाने में शादी के 7 साल बाद 2 जोड़ों की दोबारा शादी कराई गई जिसमें उनके बच्चे भी शामिल हुए। बैंड बाजे के साथ नाचते हुए बाराती थाने में आए बारात लेकर। ये देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए। दोनों दंपतियों के बीच विवाद के बाद तलाक तक की नौबत आ गई थी। महिला थाना अधिकारी ने दोनों की काउंसिलिंग की जिसके बाद विवाद खत्म हुआ और दोनों ने थाने में दोबारा शादी रचाई। असम के होजाई में नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ। आरोपियों ने नाबालिग के साथ चलती गाड़ी में रेप किया। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता के नाबालिग होने के चलते पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के जंगल में लगी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। यहां स्थानीय पुलिस और ITBP के जवान के साथ फायर सर्विस आग बुझाने के काम में लगी हुई है। जंगल में बहुत सारे चिलगोजे के पेड़ हैं जिसकी वजह से अचानक आग लगी है और आग धीरे धीरे बढ़ रही है।
गुना जिले में पूर्व डकैत मलखान सिंह की पत्नी ललिता राजपूत सरपंच चुनी गई हैं। गांव वालों ने एकजुट होकर मलखान सिंह की पत्नी को निर्विरोध सरपंच चुन लिया। चंबल के बेहड़ में 80 के दशक में डाकू मलखान सिंह का बोलबाला था। मलखान सिंह पर 100 से अधिक हत्या के प्रयास, अपहरण, लूट के मामले दर्ज थे। 1982 में मलखान सिंह और उनके गैंग ने आत्मसमर्पण कर दिया था। मुरादाबाद में बाइक सवारों ने एक फैक्ट्री के मालिक की गोली मार दी। घटना के समय गोदाम से घर वापस लौट रहे थे। इस दौरान बाइक सवार आए और गोली मारकर मौके से फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हुए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने व्यापारी को मृत घोषित कर दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एकलव्य स्कूल और जनजातीय युवा हॉस्टल का उद्घाटन किया। इसके बाद जन समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकियों और उनके समर्थकों को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की नीति है, बेगुनाहों को छेड़ो मत और गुनाहगारों को छोड़ो मत। सुरक्षा बल निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन जो आतंकी होगा उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने इम्फाल में जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया। उन्होंने 30 बिस्तरों वाले मनोरोग वार्ड, चाइल्ड केयर सेंटर और पब्लिक वेटिंग शेड का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है और हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।